सो हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम जाने वाले अपनी पहली शोर लीफ पे, जो कि है टर्की में। इंडिया से हमने लोड किया था स्टील कॉइल्स, जो हमें टर्की में डिस्चार्ज करना है। अभी मैं बोरुसन पोर्ट पे हूँ, जो टर्की में है, और यहाँ से हम जाने वाले सिटी में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारी टैक्सी भी आ चुकी है, तो चलो चलते हैं। सिक्स टू सेवन किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम आ गए सिटी में, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं इतने टाइम बाद पानी में से उतर के लैंड पे आया हूँ, तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही है। और ऊपर से मेरे को ये सिटी इतनी प्यारी लग रही है ना, मतलब आप स्ट्रक्चर देखो बिल्डिंग्स का, इतना प्यारा लग रहा है, जैसे पहले ज़माने में ओल्ड एरा में रहता था ना, मॉन्यूमेंट्स टाइप, तो उस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, तो मेरे को काफ़ी प्यारी लग रही है ये। शिप पर सब लोग बोल रहे थे कि टर्की जाओगे तो लेदर जैकेट ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई करी जाए। तो हम आ गए थे मॉल पर, तो यहाँ पे जब मैं आया और मैंने कि प्राइस देखी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो एज अ इंडियन हमें एक आदत होती है ना कि इंडिया में प्राइस रेंज में मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो वही ये जैकेट मेरे को अच्छी लगी थी, बट इसकी प्राइस थी $350। तो यार इतना अमीर तो मैं हूँ नहीं, और यही इतनी प्राइस में तो मैं पूरी सर्दियों की शॉपिंग कर लूँ अपने घर पर, तो मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, जब कप्तान बनेंगे तब इस चीज़ के लिए सोचेंगे। और टर्की में आप आए और आपने शॉर्मा रोल ही ना खाया हो तो क्या फ़ायदा। तो हम आ गए थे शॉर्मा रोल खाने। अब पता नहीं लोग शावरमा क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे को तो शॉर्मा ही मुंह पे आता है, तो मैं वही बोलता हूँ। तो यहाँ का व्यू देखते देखते हमने ऑर्डर किया शॉर्मा रोल, और मैं अगर टेस्ट की बात करूँ तो ओके था, ज़्यादा मेरे को इतना अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि अगर जो देहरादून के लोग हैं उन्होंने कभी मुल्ला बिल्डिंग पे पल्टन बाज़ार के पास जो है वहाँ पे शॉर्मा रोल खाया हो, तो भाई उससे अच्छा शॉर्मा रोल तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। सो हम फिर से चल दिए एक और दिन टर्की में बिताने के लिए। लास्ट टाइम हम पे इतना टाइम नहीं था, तो क्योंकि वहाँ पे डिस्चार्जिंग बहुत जल्दी हो रही है, तो हम फिर से 3 to 4 hours से घूमने के लिए, तो उसमें तो क्या ही हम घूम पाते। तो पर अब हम दोबारा टर्की से ही सीमेंट लोड कर रहे हैं, और राइट नाउ हम सोनेस पोर्ट में, तो हमने सोचा क्यों ना एक और दिन स्पेंड कर लिया जाए टर्की में। सो एजेंट आ चुका है और हम हो गए रेडी चलने के लिए, और ये हमारे थर्ड ऑफिसर जो हमेशा मस्ती में रहते, कूल माइंड एकदम, कोई टेंशन नहीं, और ये है पाचू इंजन कैडेट जिसने मेरे साथ ज्वाइन किया था। तो मैं बोल सकता हूँ थर्ड ऑफिसर है ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है जो ऑन बोर्ड मुझे मिले हैं। ये ऑफिसर का एज अ भाई मेरे साथ ज़्यादा रहता है, तो मेरे को इनके साथ एक अलग ही वाइब आती है। बट प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी वो ये थी कि पोर्ट से जो सिटी थी वो थी 70 kilometers दूर, और यहाँ पे हमें शोल्डी मिलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, बट कैप्टन की थोड़ी मदद से हमें शोल्डी मिल गई। बट प्रॉब्लम जो मेन ये थी वो थी जो ट्रैवलर था जो हमें लेके जाता एजेंट, वो हमसे चार्ज कर रहा था $450 सिर्फ टैक्सी के। राइट, सोच रहे हो $450 सिर्फ 70 kilometers जाना और 70 kilometers आने के लिए। चलो अगर थोड़ा और लगा लो फिर भी $450 बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जब आपको पूरी होती है ना कि तलब जाना ही है बाहर, तो तुम ये भी नहीं देखते। तो हम 8 बंदे थे, हमने एक ही ट्रैवलर बुक करा दिया कि चलो इसमें चलते हैं, तो सोच रहे हो बहुत महंगी पड़ी है हमको सिर्फ ट्रैवल ही टर्की में $450 का। तो हमने अपने एजेंट को बोला कि हमें टर्की में किसी अच्छी जगह पे लेके चले जहाँ पे व्यू भी अच्छा हो, हम कुछ शॉपिंग भी कर सके, तो वो हमें कहाँ पे लेके आया, मॉल में। सीरियसली मतलब $450 किस लिए दिया हमने मॉल में आने के लिए। पर जो थोड़ा हमारा एजेंट था ना, वो उसका बिहेवियर अच्छा भी नहीं था, तो हमने उसको बोला अभी कि हम यहाँ पर नहीं आना है, तो हमको बोलने लगे कि नहीं अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो और चार्ज लूँगा मैं ऐसे वैसे। तो सबने बोला कि छोड़ो यहीं पर घूमते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, थोड़ी मतलब बहस हो गई थी बीच में, तो हमने सोचा छोड़ो यहीं पे घूमते हैं, यहीं देखते कुछ अच्छा मिले अगर हमें। तो
तो थोड़ी शॉपिंग करके और पेट पूजा करके हमें बहुत टाइम हो गया था शिप पे जाने के लिए, तो हम चले गए दोबारा अपने शिप के पास बैक टू होम। तो यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, बाकी आप थोड़ी सी क्लिप और बची है, इसको देखो और इन्जॉय करो। तो ये अपना होम, घर, शिप, जहाज़, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो हम वापस शिप पे आ चुके हैं और यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। और आप लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।